नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस रामगढ़ में। दोस्तों, झारखंड में यहाँ पे जो है CSIR NML के द्वारा यहाँ पे एक न्यू रिक्वायरमेंट की नोटिफिकेशंस निकाली गई है। रिसेंटली में जो है इसकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जारी हुई है। ठीक है दोस्तों, ओनली जो है साक्षात्कार के माध्यम से जो है यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल होंगे तो आप बिल्कुल जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं उनको जो है 12,000 यहाँ पर मंथ स्टाइपेंड के तौर पर आपको यहाँ पे दी जा रही है। तो अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट होंगे तो भी आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट जो है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो क्या क्वालिफिकेशंस आपका यहाँ पे ली जा रही है, अप्लीकेशंस भी यहाँ पे ली जा रही है, नहीं तो सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में आगे यहाँ पे देने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को आप लाइक कर दें, और वीडियो थोड़ी सी भी अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन होगा उसको भी क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी झारखंड की गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब की इन्फॉर्मेशन आती है, फिर किसी भी प्रकार के इंपॉर्टेंट नोटिस आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगा करके। तो चैनल को जरूर से दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो रिसेंटली में CSIR नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जो जमशेदपुर में है, इसके द्वारा यहाँ पे जो है ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियंस अप्रेंटिसशिप की रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो है निकाली गई है। तो अगर आप CSIR के माध्यम से जो है ग्रेजुएट या फिर टेक्नीशियंस अप्रेंटिसशिप पाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जो है इसके इंटरव्यू में जा सकते हैं। इंटरव्यू के बेसिस पे जो है आपका सिलेक्शन होने वाली है। तो जो आपका इंटरव्यू जो ली जा रही है 1 नवंबर 2021 दिन मंडे को जो है आपका यहाँ पे इंटरव्यू ली जा रही है, तो आप इस दिन जाकर जो है आप इसका इंटरव्यू दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में सिलेक्टेड होते हैं उन सभी को जो है यहाँ पे 12,000 स्टाइपेंड यहाँ पे दी जा रही है, एंड जो लोग टेक्नीशियंस अप्रेंटिसशिप में यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं उन सभी को जो है 8,000 आपका यहाँ पे जो है स्टाइपेंड दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो आपका यहाँ पे ड्यूरेशंस होने वाली है अप्रेंटिसशिप के लिए, तो 1 ईयर्स यानी 12 मंथ्स की जो है आपका यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाएगी अगर आप इसमें सिलेक्टेड होती हैं। तो आपको अप्लाई कैसे करनी है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि जो इसकी अप्लाई करने के लिए जो आपका पोर्टल आपको दी गई है, तो सबसे पहले जो है आपको इसमें जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस कर लेनी है। देन आपका यहाँ से आप रजिस्ट्रेशंस करते हैं तो आपका एक रजिस्ट्रेशंस आईडी जो है यहाँ से आपको मिल जाएगी, उसके बाद ही जो है आप इसके इंटरव्यू में जा सकते हैं। तो इंटरव्यू के जाने के टाइम आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे जो है लेके जाने होंगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो मेंशंस की गई है कि एलिजिबल कैंडिडेट शुड ब्रिंग विद देम ओरिजिनल एंड फोटोकॉपीज ऑफ डिग्री या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, या फिर अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा तो उसको लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं हो, जो ओरिजिनल यहाँ पर डिग्री नहीं होंगे, तो आप जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी जो है लेके जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट ईयर जो फाइनल ईयर्स का मार्कशीट होगा वो भी जो है आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं। क्लास 10 का सर्टिफिकेट जो है आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा वो आपको लेके जानी होगी। आधार नंबर 2, पासपोर्ट जो रिसेंट का फोटोग्राफ आपको लेके जानी है, एंड जो आपका यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशंस करते हैं उसका रजिस्ट्रेशंस नंबर जो आपको मिलेगी उसको भी आपको लेके जानी है। तो सबसे पहले जो है यहाँ से आप यहाँ रजिस्ट्रेशंस कर लीजिएगा, उसके बाद ही जो है आप इसके इंटरव्यू में जाइएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे कि जो आपका ब्रांचेस दी गई है कि किस ब्रांच में जो है कितने सारे सीटें यहाँ पे जो है निकाली गई है नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर के द्वारा। तो अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप लेना चाहते हैं, अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से होंगे, अगर आप BE BTEC से अप्लाई करते हैं तो मैकेनिकल वालों के लिए 1 सीट है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी जो है 1 सीट है, सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे जो है सीटें नहीं है, मेटलर्जी ब्रांच के लिए यहाँ पे जो है 2 सीट है, कंप्यूटर साइंस एंड IT डिपार्टमेंट के लिए जो है ब्रांच के लिए जो है 2 सीट हैं, केमिकल वालों के लिए यहाँ पे जो है सीटें नहीं है। तो ये जो है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो लोग लेना चाहते हैं उन सभी के लिए है, एंड जो लोग यहाँ पे टेक्नीशियंस अप्रेंटिस से अप्लाई करते हैं उन सभी के लिए आप देख पा रहे हो कि मैकेनिकल ब्रांच के जो है आपका 4 सीट है, इलेक्ट्रिकल के लिए जो है 2 सीट है, सिविल के लिए 1 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 1 सीट है, एंड मेटलर्जिक के लिए यहाँ पे जो है 3 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस एंड IT ब्रांच के लिए जो है यहाँ पे सीट नहीं है, एंड केमिकल ब्रांच के लिए जो है यहाँ पे 2 सीटें हैं। तो आप जिस भी ब्रांच से होंगे तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा आप। ठीक है दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख पा रहे कि यहाँ पे सिंपली बताया गया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 4 ईयर्स रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए, एंड 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा जो कि टेक्नीशियंस अप्रेंटिसशिप के लिए। ये जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। डिसिप्लिन ब्रांचेज यहाँ पे जो है एक्सेप्टेड यहाँ पे की जा रही है। वहीं पे जो आपका परसेंटेज यहाँ पे मांगी गई है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से कैंडिडेट होंगे उन सभी को जो है 60% यहाँ पे जो है उत्तीर्ण होना चाहिए, एंड जो लोग रिजर्व कैटेगरी से होंगे उन सभी को जो है यहाँ पे 50% से जो है आपका यहाँ पे उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो ये जो है आपका यहाँ पे कंडीशंस रखी गई है। ठीक है, और दोस्तों इसमें 2019 एंड 2021 यानी कि जो है अगर आप डिप्लोमा या फिर डिग्री जो है
2019, 20 या फिर 21, ये तीनों में अगर आप ईयर्स में पासिंग आउट होंगे तो ही आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप 2018 से पहले अगर आपका पास आउट होगा तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकती हैं। और वैसे कैंडिडेट भी जो है आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिनका यहाँ पे पहले से अगर आप किसी भी अप्रेंटिसशिप ले चुके होंगे किसी भी इंस्टीट्यूशन से, तो आप इसमें जो है नहीं ले सकते हैं, इसका इंटरव्यू में नहीं जाइएगा, आपका जो फॉर्म होगा उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ईच कैंडिडेट मस्ट हैव वेरीफाइड 16 जो डिजिट NATS ID जो यहाँ पे मिलेगी रजिस्ट्रेशन करने के टाइम, वो भी जो है आपका यहाँ पे लेके जानी होगी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस ये भी आपका यहाँ पे रखी गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो एज की क्राइटेरिया यहाँ पे निर्धारित की गई है, तो अगर आप टेक्नीशियंस अप्रेंटिसशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो टेक्नीशियंस अप्रेंटिसशिप के लिए मिनिमम 18 ईयर्स रखी गई है एंड मैक्सिमम जो है 24 ईयर्स रखी गई है। एंड अगर आप जो है यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए मिनिमम 21 ईयर्स रखी गई है एंड मैक्सिमम जो है 26 ईयर्स यहाँ पे जो है मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है। इसके बाद भी अगर आप अपर एज में आरक्षण लेना चाहते हैं जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पे जो है दी जाती है, तो आप यहाँ से जो है ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको स्टाइपेंड यहाँ पे बता दिया है कि कितने सारे जो है आपका यहाँ पे जो है दी जा रही है स्टाइपेंड, एंड 12 मंथ्स का जो है आपका यहाँ पे ड्यूरेशन होने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट को जो आपका पोस्टिंग की जाएगी ट्रेनिंग के लिए, तो जो आपका CSIR NML जो बर्मा माइंस जमशेदपुर है, इसमें जो आपका यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जो कैंडिडेट इसमें यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं। ये आपका एड्रेस दी गई है, इसी एड्रेस में जो है आपका यहाँ पे इंटरव्यू यहाँ पे होने वाली है। देख पा रहे हो कि CSIR नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी बर्मा माइंस जमशेदपुर 831007, ये इसका एड्रेस दी गई है, इसी एड्रेस में जो है आपका 1 नवंबर को इंटरव्यू यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको अप्लाई करने के टाइम देख पा रहे हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट यहाँ पे रखी गई है। तो सबसे पहले जो है आपका मस्ट ईमेल आईडी यहाँ पे होनी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे होनी चाहिए, ये आपका कंपलसरी बतलाई गई है। वैलिड फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 1 ईयर तक जो है आपका यहाँ पे वैलिड होनी चाहिए। किसी भी तरह की अगर आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है आपका ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर में ही जो है आपको दी जाएगी, एंड आधार नंबर आधार कार्ड भी जो है आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स जो है आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड होनी चाहिए। एंड साथ में आप देख पा रहे कि जो यहाँ पे बोली गई है कि द कैंडिडेट शुड हैव द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स परसेंटेज टू एज क्वालिफिकेशन कार्ड्स एंड स्कैन कॉपी ऑफ कलर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर JPEG फॉर्मेट में जो है 50 KB में होनी चाहिए। ये सभी जो है आपका यहाँ पे KB के अनुसार यहाँ पे आपको लेके जानी होगी। जो डेट ऑफ इंटरव्यू आपका ली जा रही है 1 नवंबर को, उस दिन जो है आपका यहाँ पे लेके जानी होगी जितने भी सारे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे बतलाई गई है।